सवलत अगली अच्छा होती इसके अंदर, चल अपने में इसके अंदर तकलीफ होती, कौन खराब बन रही, कौन दुकान आई, उनको 10% अपने को तकलीफ होती। अब 10% में हमें देखते हैं तो 90% अपने की हमारे हमारी कांस से नहीं, विजयनगर वाले को, चंद्र वाले को, उधर जाने वाले को, अगर 80 फीट रोड आता वो माहौल ही हमारा पूरा हिंदी रोड हो जाता। अब हमारे जो भी पड़े अपने आगे डरती वहाँ डरती, मतलब ट्रैफिक की वजह से, एयर ट्रैफिक फंस जाती, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं। आज देखो गवर्नमेंट वैल्यू गोली पड़ने का एरिया का 3400 ये रोड रोड होगा तो सीधा 15-20 हज़ार रुपये होता है। ये जो बची प्रॉपर्टी जिसका गया बचत के प्रॉपर्टी 80 फीट रोड होने के बाद कह रही, जिसके प्रॉपर्टी जो ये जाने के बाद रोड होने के बाद जो 3700 जो है गवर्नमेंट वाली जो सीधा डबल हो जाती, 8-10 हज़ार रुपये गवर्नमेंट वाली हो जाती, प्राइवेट रेट आपको 1-10-20 हज़ार रुपये रेट हो जाता। उसके साथ में ये थोड़ी तकलीफ होती उनसे आज से तरह गुजारी, एक 90% अपने आपको बहुत तकलीफ है, जाने होता नहीं विमान, जाने होता नहीं, ये इधर को चिंता जा रहा। अब उनको कंपोजिशन पता नहीं, अभी एक रेट गाइडलाइंस फिक्स करती गवर्नमेंट से, अभी भी से गवर्नमेंट में भी करी रंगनाथ कॉलोनी को 5,300 फीस। पहले हमें 2010 के अंदर जब रोड वोड निकलने निकले थे कोटे को सिंगल TDR था, ये बार डबल TDR कर लगी, इन्हें सबर का फर्क इतना साल तो डबल भी मिल गया, अब उसे डबल आज आपको रघुनाथ अकाली की 10,450 पाँच से JJR नगर लिमिट के अंदर 3,120 यानी 6,240 रुपये स्क्वेयर फुट को तुम्हें मिलती। गोरी पड़ने का 3,740 उनको 2 TDR करें तो 7,480। रायापुरा का 3,825 7,650 रुपये वो लैंड का प्लस बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का मैं कहूँ टोटल प्रोजेक्ट आपको 210 करोड़ का, यानी रोड बिल्डिंग के वास्ते खर्चा 40 करोड़ रुपए, बचत का 140 करोड़ रुपए ये लैंड वाले में देने का, क्या प्राइवेट लैंड नहीं देना, सबसे पहले पुलिस क्वार्टर्स की जगह देना है, उसके अंदर 30,000 पुलिस क्वार्टर्स में पुलिस क्वार्टर्स में जगह।